खरगोन का पटाखा बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। पहली बार देखा गया है कि धनतेरस के दिन भी पटाखा व्यापारी दुकानों पर मक्खियां मारते नजर आ रहे हैं। खरगोन का पटाखा बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। पहली बार देखा गया है कि धनतेरस के दिन भी पटाखा व्यापारी दुकानों पर मक्खियां मारते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश व किसानों की फसल नुकसानी की वजह से पटाखा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पटाखा व्यवसायियों की माने तो हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष मात्र 30% ही ग्राहक पटाखा लेने पहुंचे हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों के सर पर यह संकट मंडरा रहा है कि दुकान में भरे पटाखों का कर्ज कैसे चुकाए। लोगों ने इस तरीके से मूड बना लिया कि ठीक है, इस बार दिवाली खराब है तो पटाखे नहीं फोड़ते हैं, ऐसा कुछ मूड बन गया है लोगों का। तो आप मार्केट में देख भी रहे हैं कि किस तरीके से माहौल मतलब है कि ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। तो कहीं पे ज़्यादा लोगों के यहाँ भीड़ है तो इस कारण है कि लोगों की जान पहचान और शिफ्ट की जान पहचान नहीं है, नॉर्मल दूसरे लोगों पर डिपेंड है, तो इस तरीके से ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं। तो हमको तो मुश्किल ही हो गया कि इसका पैसा कैसे निकाल पाएंगे। अड्डे का दौर है सर, ग्राहकों का किस तरह से आना जाना, ग्राहकों का सीधी सी बात है सर, 25% तेजी है तो ग्राहकों को भी पिछले मुकाबले महंगा लग रहा है। माल भी सीमित आया है और व्यापारी भी खुद कम ही लाया है कि पानी का दौर है, फसल भी खराब हो गई है। अब भी कंडीशन व्यापारी की भी हालत खराब है और किसान की भी हालत खराब है।